हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। आई होप एकदम बढ़िया होंगे। आई नो कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है, इसलिए सभी प्रिकॉशंस लें और सेफ रहें। साइकोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए स्टार्टिंग से इस पर फोकस बनाकर चलिएगा। अपना कॉन्सेंट्रेशन स्टडीज के लिए बिल्कुल लूज करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब ये चैप्टर टोटली आपके एग्जाम्स में 10 मार्क्स इंक्लूड करता है, एंड इससे पहले हम चैप्टर 3 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन केस आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल लर्न करो क्लास 11 एंड 12। और मैं हूं श्रेया, आपकी साइकोलॉजी मेंटर। ऑलराइट देन, सो अब इस चैप्टर में हम ब्रॉडली किन-किन टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आता है Concepts of abnormality and psychological disorders. इसमें classification of psychological disorders by the association. Next, factors underlying the abnormal behavior. What are the factors due to which somebody behaves abnormally? And major psychological disorders. इसमें बहुत सारे अलग अलग psychological disorders है जो कि आपके syllabus में included है. Alright, सबसे पहले आता है concept of abnormality and psychological disorders. Although बहुत सारी definitions आई, but none definition was accepted worldwide. लेकिन सभी में ना कुछ similar words थे या features थे जो कि describe करते थे about the abnormality and the psychological disorders. तो उन words को क्या बोला गया? There are certain common features often called as 4 D's. क्या है वो D's? Deviance, distress, dysfunction and danger. अब danger क्या होता है ये तो आपको पता ही है। जानते हैं डेविएशन क्या होता है या फिर डेविएट एटीट्यूड क्या होता है। सो इट इज समथिंग व्हिच इज एबनॉर्मल, लाइक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स जो कि नॉर्मल है। देन इट इज एक्सट्रीम, इट इज अनयूजुअल एंड इवन बिजार, यानी कि काफी कंफ्यूजिंग होता है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रेस और डिस्ट्रेसिंग कंडीशन जिसमें कि मैल एडजस्टन होता है, एंड इट इज अनप्लीजेंट एंड अपसेटिंग टू द पर्सन और टू द अदर्स, यानी कि इसमें आप काफी पेनफुल इमोशंस आएंगे आपके और आप इमोशनली काफी डिस्टर्ब रहोगे। नेक्स्ट आता है डिसफंक्शनल, यानी कि मैल एडजस्टेड इन अ सोसाइटी, लाइक इंटरफियरिंग विद द पर्सन्स एबिलिटी टू कैरी आउट डेली एक्टिविटीज। डेली जो नॉर्मल एक्टिविटीज होती है वो कैरी फॉरवर्ड करने में भी आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, एंड पॉसिबली डेंजरस टू द पर्सन हिमसेल्फ हरसेल्फ और टू द अदर्स विद होम वन इज इंटरक्टिंग। नेक्स्ट, इसमें दो अप्रोचेस आती हैं। फर्स्ट अप्रोच क्या है? इट व्यूज अबनॉर्मल बिहेवियर एज डेविएशन, जो कि हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि डेविएशन होता क्या है फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। अब सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं? कुछ तो हमारा बिहेवियर का क्राइटेरिया होता है ना सोसाइटी, जो कि कहीं मेंशन नहीं होता है, बट इट इज एथिकल। सो अबनॉर्मल बिहेवियर थॉट्स, नॉट ओनली बिहेवियर बट द वे ऑफ थिंकिंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू इट, एंड इमोशंस आर दोज दैट डिफर markedly from society's ideas of proper functioning. जो भी society का idea है, अगर आप उसे deviate करोगे इन सारे dimensions में, behavior में, thought process में या emotions में, तो उसको abnormal बोला जाता है। Each society has certain norms which are stated or unstated. कहीं लिखा नहीं होता है, कोई ऐसी book नहीं है कि ये right है ये wrong है, लेकिन वो सब हमको पता होता है। And for proper conduct, conduct क्या होता है? Ethics होते हैं certain. Something is ethical, right, or something is unethical, which is not correct or inappropriate. So behaviors, thoughts and emotions, ये तीनों चीजें आती हैं इसमें, जिसके accordingly abnormal or normal decide किया जाता है. Second approach है, it views abnormal behavior as maladaptive. तो first approach में deviation से relate करा गया था, और second approach में maladaptive से relate करा गया है इसको. So well-being is not simply maintenance and survival, but also includes growth and fulfillment. So maintenance or survival तक ही ये focus नहीं है, लेकिन उसके beyond जाता है on growth and fulfillment and the actualization of the potential which you must have studied in Maslow's need of hierarchy theory. वहाँ से आपको इसका एक example समझने को मिलेगा. The stigma attached to mental illness ये आप काफी prevalent है. लोग अगर कुछ साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस होते हैं या कुछ ऐसा फील कर रहे होते हैं तो वो डॉक्टर या फिर साइकाइट्रिस्ट के पास कंसल्ट करने नहीं जाते हैं, उन्हें लगता है ये कोई मेजर नेगेटिव पॉइंट है. तो ये एक हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा काफी प्रेवलेंट है कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू शेम. सो मेंटल इलनेस मीन्स दैट पीपल आर हेजिटेंट टू कंसल्ट अ डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट बिकॉज दे आर अशेम्ड ऑफ देयर प्रॉब्लम्स. अब अगर किसी के साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो वो रियलिस्टिक है,
उसे सॉर्ट आउट करने या फिर प्रॉपर डॉक्टर कंसल्टेशन तो होना ही चाहिए, इसमें स्टिग्मा वाली कोई बात नहीं होती है, लेकिन सोसाइटी में ये प्रेवलेंट है। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। ये सब हमें थोड़ा थोड़ा हमने कहीं ना कहीं सुना हुआ है। एज वन एंशियंट थ्योरी दैट इज स्टिल एनकाउंटर्ड, अभी भी प्रैक्टिस होता है, यही नहीं कि पहले होता था, बट इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया इट इज प्रैक्टिस इवन टूडे। As today holds abnormal behavior can be explained by operations of supernatural powers. Kuch supernatural powers ki existence ko believe kiya jata hai and the magical forces of evil spirits jaise ki bhoot preet devil ya shaitan un sab ko relate kara jata hai when somebody is behaving psychologically inappropriate way. To agar koi bhi is problem ko face karta hai psychological to use kaise relate kar diya karte the earlier days mein with devil and all. Next, exorcism. अब इस word या इस term से आप काफी familiar होंगे। Horror movies में कितनी बार use करा जाता है exorcist या exorcism term। तो क्या होता है ये? It is removing the evil spirit or that reside in the individual। तो जब कोई abnormal behave करता है, बोलते हैं कि उसके अंदर evil spirit आ गया है, और exorcism का मतलब क्या होता है? उस evil spirit को उस body में से निकाल दे रहा। So through counter magic and prayer is still commonly used. इसलिए आपने इससे रिलेटेड डेफिनेटली बहुत सारी मूवीज भी देखी होंगी। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल और द ऑर्गेनिक अप्रोच एंड नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल अप्रोच। तो साइकोलॉजिकल अप्रोच में क्या आता है? अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय इनएडिक्वेसीज इन द वे एन इंडिविजुअल थिंक्स। अब साइकोलॉजी तो यूजुअली मेंटल एक्टिविटी या फिर कैसे आप सोच रहे हो किसी भी प्रेजेंट सिचुएशन में अनहैप्पी और हैप्पी उसी पर डिपेंड करता है ना। So it is the individual's thinking, feeling and perception of the world accordingly. कैसे आपका mind उस particular situation में work कर रहा है? Next is organistic approach. अब it was developed by 3 persons named Hippocrates, Socrates and Plato. इन तीनों ने मिलकर जो approach थी उसका नाम था organistic अप्रोच। इसमें क्या क्या आता है? व्यू डिस्टर्ब बिहेवियर एज अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इमोशन एंड रीजन। जो आप इमोशनली किसी बात को फील कर रहे हो और उसके पीछे जो रीजन है, इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, इट गेव राइज टू दिस पर्टिकुलर अप्रोच। एंड द रेनेसेंस पीरियड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा कि रेनेसेंस पीरियड में क्या हुआ था। वॉज मार्क्ड बाय इंक्रीज ह्यूमनिज्म एंड क्यूरियोसिटी अबाउट बिहेवियर, क्योंकि 17th और 18th century में क्या हुआ? It is regarded as the age of reason and enlightenment. क्योंकि अब जो पुराने beliefs थे, उनका contrary कुछ आ गया था। क्या था वो? As the scientific method replaced faith and dogmas as ways of understanding and abnormal behavior. जो भी psychological abnormal behavior था, उनके पीछे जो ये अब तक हम पढ़ते आ रहे थे, समझते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे, उनके again scientific methods introduce हुए थे to study that what is the reason beyond these things. और ये जो biological approach है, इसमें क्या आया? इसमें बोला कि जो हमारी body functioning है और brain functioning है, all right, body functioning और brain functioning जब equilibrium में नहीं होते हैं या disturbed होते हैं, तो जो imbalance arise होता है, उसे हम बोलते हैं biological या organic approach toward an abnormal behavior. It is the dysfunction between the brain and the body of a human. Next, you have classification of psychological disorders. It was given by APA. APA stands for American Psychiatric Association had published an official manual. Ab is association ne ek scientific scale ya criteria develop kara, which is followed worldwide and classified various kind of psychological disorders. Inhone sab ko classify kara on some definite scales. And the current version of it is DSM-5. अब 5 तो यहाँ पे 5th edition है, लेकिन DSM क्या है? Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. इसको आपको याद रखना है. All right? Which edition is most prevalent? 5th one of DSM. Next is the classification scheme officially used in India and elsewhere is the 10th revision of ICD, that is International Classification of Diseases 10. क्योंकि ये 10th revision है, and which is known as ICD-10, classification of behavior and mental disorders. Of certain factors are underlying them as biological, psychological, interpersonal and socio-cultural.
बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आता है? अ वाइड रेंज ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज फॉल्टी जीन्स। अब जब हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो इसमें यूजुअली सब कुछ जेनेटिक आता है या फिर इनसाइडर बॉडी फंक्शनिंग, जैसे कि फॉल्टी जीन्स बताया मैंने आपको, एंडोक्राइन इम्बेलेंस होता है रिलेटेड टू हॉर्मोन्स एंड ऑल, नेक्स्ट माल न्यूट्रिशन, इंजरीज एंड अदर कंडीशन में इंटरफियर। अब जैसे कि हम तीन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में अगर ब्रॉडली बात करें, जैसे कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर, शाइजोफ्रीनिया या फिर डिप्रेशन, तो इसमें कुछ सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर्स है जिनका लेवल या तो हाई होता है और या लो होता है, वो उनसे रिलेट करा गया है कि तब ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स प्रिवेलेंट देखे गए हैं। जैसे कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर में एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम है GABA, गाबा। गाबा स्टैंड्स फॉर गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है? लो हो जाती है। लेकिन जो शाइजोफ्रीनिया है इसमें एक्टिविटी ऑफ डोपामीन हाई हो जाती है, ऑलराइट, इसमें हाई होती है। और जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो इसमें अनदर टर्म यू आर यूजिंग सेरोटोनिन, सुना होगा आप लोगों ने, इसकी एक्टिविटी अगेन लो हो जाती है। तो सर्टेन न्यूरोट्रांसमिटर्स लेवल्स डिक्रीजेस और इंक्रीजेस रिलेटिंग देम टू द सर्टेन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। एज नेक्स्ट आता है आपको जेनेटिक फैक्टर्स, इसमें क्या है? Have been linked to bipolar and related disorders. ये सभी psychological disorders हैं जिनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, schizophrenia, intellectual disability and other psychological disorders. Next you have psychological model. इसमें क्या आता है? These factors include maternal deprivation, यानी कि बच्चे और मदर को दूर कर दो आप, तो जो deprivation feel होगा उसे बोलते हैं हम यहाँ पे maternal deprivation, that is separation from mother or lack of warmth या फिर love and care. और उसके अलावा ये कुछ और चीजों से भी रिलेटेड होता है, जैसे कि फॉल्टी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ना तो वो बहुत कम होनी चाहिए, जैसे कि फॉल्टी होनी चाहिए या रिजेक्शन अ चाइल्ड इज फेसिंग, और ना ही ये बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जैसे कि ओवर पजेसिवनेस या ओवर परमिसिवनेस, ज्यादा परमिशन देना, मतलब सब चीजों के बारे में चाइल्ड को अलाउ कर देना, या फिर ओवर प्रोटेक्शन भी शो करते हैं सम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, and discipline modes also matters in it. Next you are having it includes the psychodynamic, behavioral, cognitive and humanistic existential model. All right? Behavioral mode क्या बोलता है कि दोनों चीजें normal और abnormal हमारा response होती है जो कि एक learned way में होता है. तो abnormal और normal दोनों ही learned behavior response होते हैं. और जब कोई psychologically imbalanced होता है तो वो कैसा response है? वो उसका maladjusted behavior है जिसकी वजह से वो इम्बैलेंस हो रहा है। कॉग्निटिव मॉडल में क्या होता है? कॉग्निटिव मॉडल में कॉग्निशन जैसे कि वर्ड रिलेट होता है बाय द थिंकिंग और योर मेंटल एक्टिविटी, उसमें आप खुद ही अज्यूम कर लेते हो अपने एटीट्यूड के बारे में सर्टेन बिलीव्स जो कि इरेशनल होते हैं, वो आपने खुद ही अपने बारे में सोच लिया और उन्हें आप बिलीव करने लगे, ऑलराइट। ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू इट, इट स्टेट्स दैट ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री to be friendly, cooperative and constructive. और जो भी इन तीनों norm से deviate करता है उसे unethical माना जाता है या inappropriate माना जाता है. Next you have psychological factors are also emphasized on the cognitive model. तो ये relate करते हैं cognitive models and this model states that abnormal functioning can result from cognitive model. अब important क्या है? Diastasis stress model. इसमें usually तीन चीजें आती हैं. फर्स्ट है बायोलॉजिकल एबरेशन जो कि यूजुअली इनहेरिट होता है इन फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल इंबैलेंसेस। सेकंड में आता है इसमें वल्नरेबिलिटी, कितने ज्यादा आप प्रोन हो। और थर्ड में आता है रिस्क फैक्टर्स या फिर स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर्स क्या होते हैं? स्ट्रेसर्स आर द इवेंट्स विच प्रोड्यूस स्ट्रेस। तो इन तीनों चीजों से रिलेट करके बनता है हमारा डायस्थेसिस स्ट्रेस मॉडल। एंड दिस मॉडल स्टेट्स दैट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डेवलप व्हेन अ diastasis या फिर biological predisposition to the disorder is set off by a stressful situation, जैसे कि मैंने आपको तीन parts में बताया। Next you have major psychological disorders. सबसे पहले आपका है anxiety disorders. इसमें आता है the term anxiety is usually defined as diffuse, vague and very unpleasant feeling of fear and apprehension. Alright, the anxious individual also shows certain combinations of the following symptoms, जैसे कि rapid heart rate, shortness of breath, diarrhea, loss of appetite, fainting, etc. तो anxiety जैसे कि आप खुद इसे experience करा होगा आपने कभी ना कभी, जब आप anxious होते हो तो आप क्या क्या feel करते हो, जो जो feel करते हो वो उसके silent symptoms में आता है।
एज यूजुअली इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, दे इंक्लूड जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स विच कंसिस्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड वेग अनएक्सप्लेन्ड इंटेंस फियर। अब फियर है लेकिन अगर आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसे आप बोलोगे एंजाइटी किसी रीजन की वजह से है, देन इट्स फाइन। नेक्स्ट इज पैनिक डिसऑर्डर्स विच कंसिस्ट ऑफ रिकरेंट एंजाइटी अटैक्स। आपको बार बार सेम थॉट आएगा और उसके अकॉर्डिंगली आप पैनिक करोगे। विच इज द पर्सन्स एक्सपीरियंस इंटेंस टेरर। कोई भी आपका पास में हो सकता है, किसी भी फियरफुल सिचुएशन से आपने फेस करा हो और आपको जब भी वो याद आए, देन यू आर हैविंग पैनिक डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट इज पीपल हु हैव फोबियाज। फोबिया आपने सुना होगा, अलग अलग चीजों के लिए लोगों को फोबिया होता है। किसी को अकेले रहने से होता है, किसी को स्विमिंग वाटर में जाने से होता है। हैव इरेशनल फियर रिलेटेड टू सर्टेन थिंग्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक फोबिया। जैसे कि मैंने आपको बताया, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजों से फोबिया होता है। आर द मोस्ट कॉमनली अकरिंग टाइप ऑफ फोबियाज, क्योंकि स्पेसिफिक फोबिया होता है। जैसे कि एगोराफोबिया की आप बात करो, इट इज द टर्म यूज्ड व्हेन पीपल डेवलप अ फियर ऑफ एंटरिंग अनफेमिलियर सिचुएशंस। मेनी पीपल विद एगोराफोबिया आर अफ्रेड ऑफ लीविंग देयर होम, यानी कि उनको क्राउडेड प्लेसेस में जाने से डर लगता है और इसलिए वो अपने घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। अगर वो बाहर जाते हैं तो उन्हें डर लगता है, दे आर फोबिक टू द डिफरेंट सिचुएशंस एंड दे आर इंटेंस एंड इनकैपेसिटेटिंग। फियर उनका वापस आता है जिससे कि काफी एंबैरेसमेंट भी कभी उन्हें फील करना पड़ता है। नेक्स्ट इज सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर्स व्हिच इज आल्सो टर्मड एज एसएडी। इंडिविजुअल्स विद सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर्स आर फियरफुल एंड एंग्जियस अबाउट सेपरेशन फ्रॉम द अटैचमेंट फिगर्स। यूजुअली ये बच्चों में देखा जाता है कि अगर उनको उनकी फैमिली से दूर करो, मदर से दूर करो, तो वो ये फील करते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर्स। And which is not appropriate as to avoid separation. बच्चे क्या करते हैं, they usually first वो tantrums देंगे, बहाने बनाएंगे, मुझे आज स्कूल जाने का मन नहीं है, बहुत कॉमन होता है, चिल्लाएंगे एंड दे थ्रो सीवियर tantrums जो कि मैंने आपको बताया और मेक सुसाइड। एक्सट्रीम कंडीशन में क्या होता है, पीपल में गो फॉर सुसाइडल अटेम्प्ट्स। That's how we have covered part 1 for this particular chapter. By LearnKuru premium subscription, you can attend live classes from anywhere, anytime. You can analyze your own performance and entire study material aapko provide karaya jayega in PDF format. In case agar aapko akele padhna kaafi boring lagta ho, monotonous lagta ho, then you will be enrolled in classes along with your peer groups. Aap attend kar sakte doubt clearing sessions, live quiz, tests and assignments. You can download our official app, LearnKuru, the live learning app, and you may also join us on Telegram. Dono ki links description box mein provided hai. Still, if you have any doubts, any queries, do ask me in the comment section below. I shall meet you in the next class. Till that time, stay safe, keep studying. All the best. Bye-bye.